तो जय माता दी सभी को, आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो है ना खाना, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट बनने की तैयारी हो रही है। तो इनकी ड्यूटी है आटा गूंदने की, तो अभी ये आटा गूंद रहे हैं। और रात को जो है ना हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और अंधेरा भी हो गया था, तो आगे जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। हमको यही जगह काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पे ऊपर जो है शेड भी है और यहाँ पर आराम से हम जो है, हमारे दो टेंट लग गए थे, एक टेंट हमने क्लोज कर दिया है स्पेस के लिए, क्योंकि अभी हम क्या ही करेंगे, खाना खाने के बाद हमने पैकिंग ही करनी है। तो एक हमने टेंट क्लोज कर दिया है, इस वाले टेंट को अभी हम बाद में करेंगे। तो आटा गूंद जाता है, उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। और सब्जी में हमारे पास भी कल रात को काफ़ी अच्छी सब्जी बनी थी आलू और गोभी की, तो आलू और गोभी की सब्जी हमारे पास रखी हुई है, तो हम दोनों उसी को जो है खाकर यहाँ से फिर निकलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी, कुछ बोलना चाहोगे? जय श्री राम। जय श्री राम। तो श्री राम, देखो सुबह सुबह हालत श्री राम लगा रहे हैं आटा, श्री राम जो है अच्छा आटा लगाते हैं इसलिए, और जल्दी भी लगाते हैं। और फिर काम भी हमारे बटे हुए थे, मैं कुछ और कर देती हूँ। तो रोटी खाते हैं हम सुबह सुबह, दो दो तीन तीन रोटी खाएंगे। हाँ। थोड़ा सा आटा लगाना 10 मिनट का काम होता है, तब तक श्रुति और काम कर लेती जब तक मैं आटा लगा रहा। हाँ, इतने अब 2 मिनट की बात है, अब ये सेट हो जाएगा आटा, मैं रोटी बना के फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, है ना? आगे चलते हैं ना। ओके, नमस्कार जी सबको। दोस्तों मेरा काम हो चुका है, मैंने आटा लगा दिया है, अब बचा है श्रुति का काम। तो यहाँ पे अभी श्रुति मस्त रोटियाँ बनाएगी। ये देखो हमने 5-6 रोटियाँ ही बनानी है, और सब्जी हमारी काफ़ी ज़्यादा बच गई थी रात को, इसको हम मस्त गर्म करके खा लेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ पीने का पानी लाने के लिए। यहाँ 100-200 मीटर दूर एक बावली है, नेचुरल पानी निकल रहा है, एक भाई से पूछा मैंने, तो चलते हैं पानी लेके आते हैं पहले, तब तक ये रोटियाँ बना देगी, है ना? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं यहाँ पे, बावली का पानी है, साथ में बर्तन भर लेंगे, 2 बोतलें मैंने भर ली है, साथ में हाथ मुंह भी थोड़ा धो ही लेता हूँ। तो बर्तन धो के चलते हैं, खाना खा लेते हैं पहले, है ना, ब्रश व्रश करके निकलते हैं आगे। कर लिया है, बर्तन धो लिए, पानी भी मिल गया पीने के लिए, ये कुकर भर के पानी ले जाऊंगा मैं, श्रुति भी हाथ मुंह धो लेगी, ब्रश कर लेगी, है ना? तो चलते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, श्रुति ने मस्त रोटियाँ बना दी हैं, ये देखो जी, और सब्जी गर्म हो रही है, और मेरा काम है इसको घी लगाना अभी, तो लगा लेता हूँ। जितने हमारी सब्जी गर्म हो रही है और रोटियों पे घी लगे हुए, इतने में ब्रश कर लेती हूँ, फिर दोनों आराम से खाएंगे मजे से। ठीक है जी। तो दोस्तों टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट करने का, दोनों ने ब्रश कर लिया, हाथ मुंह मैंने धो के आया था, आपको पता ही है, श्रुति ने भी ब्रश कर लिया, बढ़िया कर लिया ना। हाँ। तो यहाँ पे हमारी सब्जी देखो कितनी जबरदस्त बनी थी रात को, और यहाँ पे रोटियां बनाई है, कितनी रोटियां बनाई? 6 ही बनी गिनती की। तो काफी है, 3-3 खा लेंगे, कितनी खाएगी? नहीं मैं 1 या 1.5 ही खाऊंगी। हैं? 1-2 खा लूंगी। चल 4 मैं खा लूंगा, 4 मैं खा लूंगा, 2 ये खा लेगी, है ना, हो गया हमारा। यहाँ पे दोस्तों हमने सारी क्लोजिंग कर दी है, और आप देख सकते हो ये लास्ट वाला टेंट था, ये भी हमने क्लोज कर दिया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो गाइस अभी हम लोग जा ही रहे थे, और यहाँ पे रास्ते में ना पहाड़ों से ऊपर बिल्कुल टॉप से जो है ये पानी आ रहा है, और ना किसी भैया ने ये पाइप लगा रखा है, तो गाड़ी साफ करने के लिए, मतलब यहाँ पे काफी लोग गाड़ियाँ साफ करवा रहे थे अपनी, तो हमने सोचा हम भी अपनी गाड़ी साफ कर ले, थोड़ा गाड़ी को नहला देते हैं, उसके बाद हम खुद देखते हैं कोई नहाने की जगह। तो अभी फिलहाल गाड़ी को धो रहे हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं कोई जगह। होगी बिल्कुल जी, बिल्कुल साहब।
गाइस दोपहर के टाइम में जो वंदे भारत आती है ना उसका टाइम हो गया है यहाँ पे वंदे भारत का आने का। ये रेलवे स्टेशन है उधमपुर का। तो गाइस हम लोग जो है ना उधमपुर पहुँच गए हैं और दोपहर का टाइम है, 1:30 बज रहा है। और अभी जो है ना यहाँ पे हमको एक मंदिर मिला है, मंदिर के अंदर बाउली में पहले मैं अपना अलग नहाकर आ गई हूँ और यहाँ पर अभी ये नहा रहे हैं। कैसा है पानी, मजा आ गया? और जहाँ मैं नहाई हूँ ना वहाँ और भी ज्यादा अच्छा था। हाँ लेडीज का अलग था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं अकेले नहाई वहाँ पे। ये पानी ना नेचुरल निकलता जमीन से, आप फिश देख रहे हो कितने रंग बिरंगे यहाँ पे। हाँ फिशेस भी है यहाँ पे और बहुत मतलब बड़े बड़े लार्ज साइज की भी, स्मॉल साइज की भी, अलग अलग साइज की है। हाँ ये रही एक फिश। तो अभी नहाकर ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है, सुबह से ना ऐसे ही लग रहा था, एनर्जी नहीं लग रही थी, अभी नहाकर जो है ना बिल्कुल एनर्जी आ गई है। और मैं अभी बस जा रही हूँ तैयार होने के लिए, इतने यहाँ पे जो है नहा के आ जाएंगे। ठीक है मैं जा रही हूँ, हाँ आ जाना आप। हाँ तो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से आगे की तरफ। कल हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि कल ना काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो अंधेरे में जाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी जो है धूप भी है और अभी जो है दिन भी हो रहा है, तो अभी हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। और हमारे साथ जो है ना कुलदीप भैया भी जुड़ गए हैं। तो कुलदीप भैया सुबह सुबह जो है ना उनको काम था तो वो अपना सारे काम फिनिश करके जो है अब वो हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं रास्ते में एक छोटी सी दुकान पे, वहाँ पे हम लोग खाएंगे। अब उधमपुर आए हैं तो कलाड़ी ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे कलाड़ी खाने के लिए और साथ में जो है हम लोग चाय पियेंगे। और भैया का फास्ट है तो भैया अपना अलग फास्ट का अपने फास्ट की कलाड़ी अलग से बनवा रहे हैं और हम लोग तो खा ही लेंगे अपना। तो अभी चलते हैं खा के आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमारी कलाड़ी भी आ गई है। थैंक यू भैया। बिना प्याज के आ जाए। कोई नहीं कोई नहीं, तो आधी आधी खाते हैं दोनों, है ना। वैसे तो हम खाना खा के आए हैं बट काफी हैवी हो जाएगी, चलो आधी आधी ट्राई कर लेते हैं। हाँ कोई नहीं। हाँ भैया थैंक यू, भैया भी आ गए यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखो, अब मैं बताऊँ कलाड़ी क्या होती है। जिन लोगों को कलाड़ी का नहीं पता, ये पहाड़ी एक चीज होता है। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये होती है कलाड़ी। पहाड़ी मक्खन बोल सकते हैं, चीज बोल सकते हैं इसको। ये लो, वो मैं खा लूंगी, आप ले, आप पहले खा लो, मैं इतने यहाँ पे चाय पीती हूँ। चाय का मन कर रहा था क्योंकि काफी दिनों से मैंने चाय नहीं पी। क्या देखो ये है ना, चीज पड़ रहा है जैसे। हाँ यही है कलाड़ी भाई। कोई नहीं, सो गाइस टाइम हो रहा है 6 बजे का। और अभी जो है ना हम लोग जो हमारी लोकेशन थी ना, हम लोग वहाँ पे बस पहुँचने ही वाले थे तो उससे पहले हम लोग को एक होटल मिल गया। तो होटल में जो है ना कुलदीप भैया बोलने लगे कि ना आप लोग होटल में रुक जाओ क्योंकि भैया को आज जो है ना कुछ काम है तो उनको घर जाना पड़ेगा। उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा ही आगे होगा। तो वो गए हुए हैं अभी कुलदीप भैया को उनके घर छोड़ने के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने एक रूम लिया है, तो रूम की सारी डिटेल्स और जो होटल है वो मैं आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में दिखा दूंगी। तो अभी ऐसा कुछ रूम है, काफ़ी अच्छा रूम हम लोगों को मिला है अफोर्डेबल प्राइस में। और यहाँ पे कंबल, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है,
सच्ची में मतलब एक रीजन हमारा ये था रूम लेने का कि ना ठंड काफी ज्यादा हो रही है। और आप लोग ये देख सकते हो, मैं जब रूम में आई थी ना, मैं इस जैकेट को पहन के आई थी, सच्ची में इतनी ज्यादा ठंड थी। अभी रूम में मैं आई हूँ ना, मैं कम्बल में बैठी थोड़ी देर, तब जाके मुझे थोड़ी गर्माहट मिली, तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई, वरना मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी ना। मैं आप लोगों को बता दूँ कि बाहर बहुत ज्यादा वेदर जो है ना अचानक से चेंज हो गया, काफी ज्यादा ठंड हो गई है। और ऐसा कुछ रूम है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाकी मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, नाम वगैरह मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी, लोकेशन मेरे को नहीं पता, लोकेशन आपको वही बताएंगे। ऐसा कुछ बाथरूम है यहाँ पे। और अगर बाहर की बात करी जाए तो विंडो का व्यू कुछ ऐसा है, मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ वो थोड़ा सा बाहर का व्यू। तो बाहर ऐसा तो कुछ है नहीं इतना दिखाने लायक, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सामने पहाड़ ही है और ठंड कसम से बहुत ज़्यादा है, हवा भी आ रही है। मैं पहले विंडो को बंद करूं, नहीं तो मैं ठंड में मर जाऊंगी आज। पहले विंडो को बंद करते हैं हम लोग। तो गाइस ठंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाहर काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और वो गए हुए हैं कुलदीप भैया को छोड़ने, तो जब तक वो आते हैं इतने में थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे भी ना मैं थोड़ा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। इतने में वो आ जाएंगे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, भैया का घर यहाँ से पास में ही है, पर लेकिन भैया का जो घर है ना वहाँ पे थोड़ा जाने के लिए स्ट्रगल है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू यहीं पे रुक जा, मैं पहले भैया को छोड़ के आ जा दूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे को वहाँ पर, तो फिर मैं क्या ही करती हूँ वहाँ जाके, तो इसलिए मैं रूम में रुक गई। टाइम हो चुका है 7:10 और कुलदीप भाई के घर के पास हम रुके हुए हैं। नया होटल बना है कुलदीप भाई के नाम में, तो यहीं पे मेरे को लगता है पहले हम ही हैं इस होटल में, तो है ना श्रुति कुछ ऐसा ही है। तो कुलदीप भाई गए अपने घर, शायद वो बाद में आएंगे, तो देखते हैं इसके बाद क्या खाने का प्लान है तेरा। भूख लगी है? फिलहाल तो नहीं लगी, क्योंकि राड़ी खाई थी ना हमने इसलिए, और अभी टाइम भी ऐसा ही है, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, क्या पता रात में लगे। तो ये तो भाई पैटीज लेके आई है, कितनी पैटीज लाई है बताना। इन्होंने दिलवाई थी, मैंने अपने लिए नहीं ली, मार 10 पैटीज लेके आई है। ये बोले मैं तो खाऊंगी पैटीज, तुम देख लो भाई अपना। अब मैं देखता हूँ भाई, कुछ बना लेता हूँ हल्का फुल्का खाना खा के, तो रेस्ट करूंगा, वीडियो एडिट करूंगा। ये प्यारी सी जगह पे आज रुके हैं, ये वाला रूम है। अभी फिलहाल तो कुलदीप भाई गए अपने घर, उनका घर भी यही पास में ही है, और कसम से ठंड इतनी ज्यादा ना, श्रुति तो आते ही कंबल में घुस गई है ना। और यहाँ मतलब बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर अंधेरा हो गया यार, बाहर हो चुका है अंधेरा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अभी मैं बाहर आया हूँ रोड पे, आपको दिखाने के लिए कहाँ पे रुके हुए हैं। ये सामने वाली प्रॉपर्टी है और अपनी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, और ये रोड अभी बन रहा है, और कुलदीप भाई का घर यहाँ पास में ही है। तो भाई साहब सच में ठंड है, मैंने खुद जैकेट वियर कर ली है। भाई साहब बोल रहे 8 दिन पहले जो बारिश हुई थी ना, उस वजह से यहाँ ठंड हो गई है। सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, सामने इस साइड एक पहाड़ है टॉप एरिया, वहाँ पर बर्फ गिरी हुई है। तो भैया जी बोल रहे कि वो बर्फ़ अभी ताज़ी ताज़ी ही गिरी है, तो सुबह अच्छे से आपको घुमाएंगे। थोड़ा आज हम भी रूम में रेस्ट कर लेते हैं, 2-3 दिन कैंपिंग करके आपको पता है तो थकान तो हो ही जाती है ना। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 8 बजे का, और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। अभी रूम से हम लोग आए हैं अपनी गाड़ी में, तो थोड़ा अभी हमने सेटअप करा है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर ही खाना बनाएंगे, क्योंकि बाहर की साइड जो है थोड़ी ठंड है। तो यहाँ पे हमने मिलकर जो है सब्जी अभी काटी है। तो क्या बना रहे हो आप? तू खाएगी ना? मैंने नहीं खाना, वो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। तो यार मैं केला कितना ही खाऊंगा, हल्का सा मैं देखो मैंने थोड़ी गोभी और ये एक आलू, ये सारा मिक्स करूंगा, हल्के से राइस डालूंगा, ये पुलाव बना लूंगा मस्त अपने लिए। और आपने जैकेट क्यों पहनी है? यहाँ ठंड है, तुम लोग अंदर बैठे हो ना तभी बातें हो रही है। भाई साहब ये पूरा जंगल है साथ में, ये पूरा जंगल है साथ में देवदार का, तगड़ी ठंड हो रखी है तगड़ी कसम से। तो खाना बना लेते हैं, फिर ले जाएंगे रूम में, वहीं खाएंगे आराम से। बाय द वे मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगी कैसा बनाया इन्होंने, वैसे तो अच्छा ही बनाते हैं हमेशा, थोड़ा सा खा लूंगी। अब बन रहा है तो नहीं बन रहा होता तो एक बात अलग। पहले हैवी हो गया था ना तुम लोगों ने कलाड़ी। हाँ, कलाड़ी से हो गया सारा। कलाड़ी ना बहुत हैवी थी सच्ची में, और कला और उधमपुरा कलाड़ी ना खाओ तो बेकार है फिर उधमपुरा ना, तो इसलिए कलाड़ी भी खानी जरूरी थी और वो हैवी भी हो गई, क्या कर सकते थे है ना। और शाम में ही खाई थी अभी जल्दी में ही, तो अभी यहाँ पे बस पुलाव बन जाए उसके बाद हम लोग जा रहे हैं रूम में। तो गाइस आप लोगों को ना मैं एक और मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ, शायद कैमरे में इतना अच्छा ना लगे और इतना अच्छे से कैप्चर ना हो पाए,
उसके लिए माफी चाहूंगी, पर लेकिन रियल आंखों से बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, पहाड़ पे जो है ना जो घर बने हुए हैं छोटी छोटी, वहाँ पे उनके घरों में लाइट जल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई गैलेक्सी आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल सितारों से भरी हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि सामने पहाड़ है, तो नहीं क्या लाइट सी लगा रखी है, ऐसी डेकोरेशन कर रखी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोग देखो सामने, मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना रियल आंखों से लग रहा है ना सामने, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है सच्ची में, बिलीव ही नहीं हो रहा आंखों से। ये देखो आप लोग, ऐसा कुछ हुआ, बिल्कुल सुनसान रोड है और सामने बिल्कुल शांति, बिल्कुल कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त है व्यू, देखो कितना जबरदस्त है। और गाइस ये कच्ची गोभी खा रहे हैं। आपको पसंद है कच्ची गोभी? अभी बस यहाँ पे तैयारी हो रही है, सारी चीजें कट चुकी है हमारी, बस तड़का लगाना है। हाँ आ जाओ आराम से आना। तो गाइस यहाँ पे ना तेल गरम हो गया हमारा और हम लोगों को ना बाहर आना पड़ा। यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया, जीरा भी डाल दिया है। हाँ मैं देती हूँ, मैं देती हूँ एक मिनट। अभी यहाँ पे हमारी प्याज भी चली गई है तड़के में, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोगों ने बाहर सिलेंडर इसलिए रखना पड़ा। पहली चीज़ तो आप लोग अंदर देख सकते हो, सारा सामान हमारा ऐसे रखा हुआ है, सारा सामान हम लोगों ने बाहर निकालना पड़ता। और फिर दूसरी चीज़ ये कि ना गाड़ी आप लोग देखो बिल्कुल किस जगह पे खड़ी हुई है, तो गाड़ी इतना टेढ़ी हो रही थी तो सिलेंडर गिरने का डर था, और फिर गाड़ी के अंदर भी थोड़ा सा रिस्क था ना खाना बनाना, ऐसे जिस तरीके से गाड़ी खड़ी थी, तो हमने कहा चलो 5 मिनट की बात है, सिर्फ तड़का ही लगाना है। तो गाइज आप देख सकते हो हमने भाई साहब आज ओपन किचन करा है, बाहर रोड पे ही खाना बना रहा हूँ मैं, और ये वाला वो होटल है यहाँ हम रुके हुए हैं, गाड़ी ऐसे लगी हुई थोड़ी खड़ी जैसी ना, तो फिर ऐसा ही है। तो अभी ठंड भी हो रही है और जैकेट भी हमने लगा ली है, आपको पता ही मौसम यहाँ बड़ा प्यारा और ठंडा है, तो खाना बना के बस रूम में निकल रहे हैं सीधा। तो गाइज मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी सभी को, जो लोग भी पहाड़ में ना कैंपिंग के लिए आ रहे हैं, साथ में स्वेटर जैकेट या शॉल जरूर लेके आना, नहीं तो मेरी तरह टॉवल ओढ़नी पड़ेगी उन लोगों। ठंड हो गई अब। हाँ, ठंड हो गई है इसलिए, तो जरूर। ऐसा नहीं है ये बैग पूरा भरा हुआ है गर्म सर्दी सब कपड़े हैं, बट वो ये ना आलस है, आलस भी फिर निकालना की, फिर जब रूम ही ले लिया तो रूम में ही जाना है, 5-10 मिनट की बात है। ये बात भी सही है, फिलहाल यही ओढ़ लेते हैं। सही है सही है, तो बस अभी हमारा खाना रेडी होने वाला है, फिर चलते रूम में। तो गाइस स्पेशल मैं आपके लिए यहाँ पर आई हूँ, आपको जो है ना यहाँ का एक बहुत प्यारा सा नज़ारा दिखाने के लिए, जिसको देख के ना ऐसा लग रहा है सितारे लगे हुए हैं, पूरे जो पहाड़ है ना हमारे उनके ऊपर बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं, और आसमान में भी इतने ज़्यादा सितारे हैं। वैसे क्यों है यहाँ पे इतने सारे सितारे? ये सितारे मतलब हमारे उधर दोस्तों ये पूछ रही है ये सितारे क्यों, पहले तो वो गैलेक्सी वाले सितारे हैं, दूसरे ये जो दिख रहे हैं ये लोगों के घर है पहाड़ों पे, और तीसरा ये पूछ रही है सितारे क्यों दिख रहे हैं। भाई साहब इसको मैं बोल रहा हूँ कि पहाड़ पे पोल्यूशन कम रहता है, ताजी हवा चलती है, उसके कारण ये एकदम क्लियर दिखते हैं। हो गया डाउट क्लियर? और कुछ पूछना है? फिर भी बहुत ज्यादा क्लियर है। तो ऐसा कुछ नजारा दिख रहा है यहाँ से, ये देखो ये सभी लोगों के घर है, ये टॉप एरिया है, एक घर लेंगे हम भी ऐसे यहाँ पे पहाड़ पे, एक घर तो होना चाहिए ना गाइस, आप लोग कमेंट करके तो हमारे एक क्या हमारे बहुत सारे घर है यहाँ पहाड़ों में, एक घर नहीं है काफी ज्यादा है, मतलब जब बर्फ गिरे तो यहाँ पे आ जाओ मजे करने के लिए, बर्फ में है ना स्नोमैन बनाओ, बर्फ से खेलो, बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है बर्फ में। सही बात है ना, करो अपना एंजॉय करने के लिए आ जाओ अपनी फैमिली के साथ। चले फिर खाना रेडी है हमारा। हाँ चलो फिर। तो गाइस अभी मस्त खाना बना के बाहर से हम लोग आ गए हैं रूम में, और हमारा खाना भी बन के रेडी हो गया है, तो मैं आप लोगों को अपना खाना दिखाती हूँ, हमारे वेज पुलाव कितने टेस्टी बने हैं, है ना मस्त लग रहे ना। सब्जियाँ डाली है इसमें हमने, आलू गोभी सब कुछ हमने सारी सब्जियाँ डाली जो हमारे पास अवेलेबल थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। साथ में एक हमने प्याज लिया है छोटा सा, और ये है घी साथ में। और मेरे से ना बोला नहीं जा रहा क्योंकि ठंड है ना, तो हाथ भी कांप रहे हैं मेरे काफी।
तो ठीक है दोस्तों, खाना खा लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग रेस्ट, क्योंकि वीडियो भी एडिट करनी है हम लोगों को। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय।